दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। लेकिन आज मुझे गाना याद आ रहा था, गाना कौन सा था? गाना था मेरा पिया घर आया हे राम जी हे मोदी जी, क्योंकि अब चुनाव में वोट लेने का टाइम आ गया है, तो नीरव मोदी की प्रत्यर्पण संधि का ये झूठी खबर फैला दो। जी हाँ, ये झूठी खबर फैलाई जा रही है मोदी मीडिया के द्वारा, और ये बोला जा रहा है कि साहब 29 मार्च तक वो कस्टडी में रहेगा, लेकिन कहाँ, हिंदुस्तान की नहीं, लंदन की, ठीक है। और इसको मीडिया बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं साहब मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, और ट्विटर पर ये ट्रेंड जो था चार जगह चल रहा है। मैं हैरान था, देश के बेरोजगारी के मुद्दे गायब हो जाते हैं, देश के बहुत सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी जो चाहते हैं वो चलता है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब बात कर लेते हैं नीरव मोदी जी, जिन्होंने पीएनबी में घोटाला किया था, जमानत अर्जी लंदन के बेस्ट मिनिस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी, 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब तक जेल नहीं आ रहे, ठीक है साहब, फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे। इस महीने अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि नीरव मोदी लुक बदलकर लंदन के बेस्ट एंड में $8 मिलियन के अपार्टमेंट में रहता है। देखिए साहब, अगर इतनी कृपा ना होती भारत सरकार की तो वो रह रहा होता, और सुषमा स्वराज से मिलकर के जो घोटाला करने वाले हों जाएं विदेश, भाग जाएं और दूसरे देश की नागरिकता ले लें, उसके बाद नीरव मोदी को लाने का जो स्टंट है वो वाकई कमाल है। और एक कमाल और है कि मोदी मीडिया को ही नीरव मोदी मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता, और जब वो सवाल पूछते हैं तो बोलता है नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट। पुरानी पिक्चरों का कालिया पिक्चर एक रिलीज हुई थी, उसमें एक ऐसी ही मूछों वाला एक खलनायक था, वो भी नो कमेंट था, और अमिताभ बच्चन से बहुत मार खाई थी। लेकिन दोस्तों ये नीरव मोदी का मामला क्या है? नीरव मोदी का मामला कुछ नहीं है, ये सारे एक स्टंट खेले जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा, और ये स्टंट इसलिए खेले जा रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए। अब आप खुद ही तय कर लीजिए आप बेवकूफ हो या बुद्धू हो या समझदार हो, क्योंकि लंदन से जब 4.5 साल में सरकार उसको लेके नहीं आ पाई, मतलब 2 साल से सरकारी वापस लेके नहीं आ पाई, एंड चुनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार को उसकी याद आई और पिया घर आया, चलो चुनाव जीता जाए। बड़े बड़े स्टंट हैं मोदी जी के, समझोगे तो बहुत हैरान रह जाओगे। मोदी जी हर जगह पर छक्के मारना चाहते हैं, हर तरह से ये मजबूत कर लेना चाहते हैं कि हम अगला चुनाव किसी भी तरह जीत जाएं, क्योंकि इनके प्रवक्ता भी बोलते हैं कि साहब चाइना के तानाशाहों के यहाँ भी चुनाव होते हैं लेकिन वो जीतते हैं, वो आरोप लगाते हैं गांधी परिवार पर। लेकिन कहीं ऐसा ही तो नहीं करना चाहते, कहीं तानाशाह तो नहीं बनना चाहते मोदी, कहीं ये चुनाव कैंसिल ना हो जाए या चुनाव किसी और दिशा में ना चले जाए, देश के लोग बस देखते रहें मोदी जी की आभा को और मोदी जी के पराक्रम को। जी नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा नीरव मोदी पर ये तंज, जरूर पसंद कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।